नमस्कार दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में 4 आतंकवादी मारे गए, एक जवान शहीद, एक नागरिक की मौत। गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर में सैन्य कार्रवाई में आतंकवादी कम और आम आदमी ज्यादा मरते हैं। लश्कर ने किया बयान का समर्थन। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने किया मुशर्रफ के बयान का समर्थन, कहा आजादी चाहते हैं कश्मीरी। भाजपा ने कहा माफी मांगे कांग्रेस। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा आतंकवादियों और अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस नेता। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा विध्वंसक तत्वों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन। मोहन प्रकाश को हटाकर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया महाराष्ट्र का नया प्रभारी। महागठबंधन को झटका, ममता बनर्जी ने सीपीएम, भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तृणमूल के खिलाफ तीनों ने हाथ मिलाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ईरान में चाबहार बंदरगाह को 2019 तक शुरू करने का प्रयास। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बस पलटने से 2 की मौत, एक दर्जन से ज्यादा घायल। गुजरात में वडोदरा जिले के डेसर क्षेत्र में नदी के किनारे जमीन धंसने से 4 मजदूरों की मौत। तिब्बती शहर केलुंग से काठमांडू के बीच रेल लाइन बिछेगी, नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान हुआ समझौता। आतंकवाद को लेकर अमेरिका ने कहा सुधार दिख रहे हैं लेकिन पाकिस्तान पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा मैं पूरी तरह फिट और इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार हूँ। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।